गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रुपेश कुमार आप सभी का मेरे चैनल एग्ज़ाम विथ मार्क में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल जोमिनेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बिना सूत्र के आप लोगों को बताऊंगा विथ कंसेप्ट के साथ, तो आप इसे ध्यान दीजिए। चलिए इसको देखिए, देखिए एक मतलब फिर से समझिए। इसका बस यही कंसेप्ट है कि बढ़ते क्रम में लिखना है। पहले एक है तो पहले एक लिखाएगा, फिर दो, फिर तीन। अगर बात के मतलब यहाँ पर दो लिखा गया तो दो के बाद क्या होगा, तीन, तीन के बाद क्या होगा, एक। यही कॉन्सेप्ट बनाना है। बात के मतलब यहाँ पर तीन आ गया तो तीन के बाद क्या होगा, एक और दो। यही कॉन्सेप्ट बनाना है तो आप लोगों को याद नहीं करना पड़ेगा। चलिए एक मतलब फिर से बनाते हैं। पहले क्या कर दिए, एक दो तीन लिख दीजिए, इसके आगे एक्स लगा दीजिए, इसके आगे भी एक्स लगा दीजिए, इसके आगे भी एक्स लगा दीजिए। अब दो के बाद, एक के बाद क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो इसको छोटी बैच में देखिएगा, दो उसके बाद तीन हो गया। फिर दो से स्टार्ट करना है तो दो के बाद तीन, तीन के बाद क्या हो जाएगा, एक। फिर तीन दिया हुआ है तो क्या इससे स्टार्ट होगा, एक और दो। अब इसमें बाई लगा दीजिएगा और घटा दीजिएगा, इसमें भी बाई लगा दीजिएगा और घटा दीजिएगा, इसमें भी बाई लगा दीजिएगा और घटा दीजिएगा, और छोटे ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। अब ये जो बच गया, एक्स के आगे प्लस दे देना है, इसके बीच में प्लस दे देना है, बस यही आपका आंसर हो गया। अब इसको ब्रेक ब्रैकेट में लिख कर एक बटे दो से भागा दे देंगे तो यही आपका फार्मूला हो गया। क्या हो गया, यही आपका फार्मूला हो गया। क्या फार्मूला हो गया, एक्स वन इंटू बाई टू माइनस बाई थ्री प्लस एक्स टू बाई थ्री माइनस बाई वन प्लस एक्स थ्री बाई वन माइनस बाई टू। उस तरह से याद कीजिएगा, तो याद कीजिएगा फिर भुतराइएगा, याद कीजिएगा फिर भुतराइएगा। तो उस तरह से याद नहीं करके इस तरह से बताएं, पहले देता एक दो तीन, उसके आगे एक्स 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 हो गया। फिर क्या करना है, एक दो तीन के क्रम में लिखेंगे। तो एक यहाँ पर लिखा है तब क्या लिखेगा, दो और तीन, दो में से तीन घटा देंगे बाई वाला। फिर दो लिखा है तभी क्या होगा, तीन, उसके बाद एक बाई लिख देंगे उसके आगे। फिर तीन लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे, एक और दो, फिर उसको भी घटा देंगे बाई लिख देंगे। अब जब बाई घटा दिए, छोटी ब्रैकेट के प्लस बाद प्लस रखना है, यही ध्यान रखना है। छोटी ब्रैकेट के बाद क्या देंगे, प्लस देंगे, तब आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये अपने दोस्तों के साथ शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर लाइक और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करें ताकि उनका भी मैट्रिक में नंबर बढ़े। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए अब देखिए प्रश्न, देखिए ये वाला NCERT 167.3 क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, दो तीन माइनस एक जीरो, दो माइनस चार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसको सबसे पहले क्या करना है, उसको आगे लिख देना है। पहला हो गया एक्स वन बाई वन, एक्स टू बाई टू, एक्स थ्री बाई थ्री। हम क्या बताए हैं आप लोगों को, आप लोगों को हम क्या बताए हैं कि पहले लिख देना है एक्स वन एक्स वन, फिर एक्स टू माइनस एक, फिर एक्स थ्री दो, इसके आगे क्या करना है, प्लस करना है बीच में, इसके आगे बीच में प्लस। अब जब लिखा गया एक तब क्या हो गया, दो में से तीन घटा देंगे, दो में से तीन घटा देंगे, यानी कि दो में से तीन क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब ये घटा देंगे तो इसका पूरा चिन्ह लेना है, तो पूरा चिन्ह हो गया। अब ये क्या लिखे हैं, दो लिखे हैं, तो तीन और एक लिखाएगा, क्या लिखाएगा, तीन और एक लिखाएगा, तो तीन लिखाएगा, तो तीन लिख दिए, और एक को घटाना है तो घटा दिए, हो गया। अब ये तीन लिखाया है, क्या लिखा है, तीन, तो तीन के बाद क्या आ गया, एक और दो, क्या आ गया, एक और दो, तो एक में से दो को घटा देना है।
अब इसको बड़ी ब्रैकेट करके क्या करना है, आधा कर देना है। तो देखिए इसको हल कीजिए, माइनस होना माइनस, प्लस चार दूना आठ, अब प्लस माइनस सात, फिर माइनस होना माइनस, प्लस सात, तीन दूना छः, आधा के आधा, इसको सब जोड़िएगा, अच्छा पंद्रह, पंद्रह पच बीस, एक इक्कीस, क्या आ जा गया इक्कीस। आइए दो से गुना कर दीजिएगा, यानी कि आपका मेन फाइनल आ गया इक्कीस बटा दो वर्ग मात्रक। क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है, वर्ग में होता है, तो ये आ गया मात्रक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, तो ये अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।